मालकिन। अरे अरे माने के बच्चे, दूर हो जा यहाँ से। तेरा साया भी पड़ गया तो मेरा नहाया धोया सब भ्रष्ट हो जाएगा। मालकिन, मेरा बच्चा बुखार से बेहोश पड़ा हुआ है। तो मुझे बताने से क्या फायदा, किसी अस्पताल में ले जा। वहीं से तो आ रहा मालकिन, डॉक्टर ने ये दवाइयों का पर्चा दिया है। तेरा मतलब है दवाओं के लिए पैसे मैं दूं? हरे राम, मेरे पास पैसे कहाँ? मेरे पास राम नाम के सिवा कुछ नहीं। हरे राम, अरे गंगा कहाँ मर गया था तू? आमों के पैसे लाया? हाँ, लाया हूँ माँ जी। लाया? ला। अरे अकल के अंधे, चिल्लर अलग रख और नोट अलग। अच्छा माँ जी। हरे राम 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 हरे राम। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? मैंने नोटों पर गंगाजल क्यों नहीं छिड़का? अरे मूर्ख, ये सरकारी कागज है, किसी के हाथ लगाने से भ्रष्ट नहीं होते। जा, तू नहीं समझेगा। हरे राम हरे राम हरे राम। मैं आपके आगे झोली फैलाता हूँ, इसमें से मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है मालकिन। अरे बुद्धू, ये आमों के पहली फसल की कमाई है, ये मैं भगवान की हुंडी में डालूंगी, नहीं तो ऐसा श्राप लगेगा मैं भी अंधी हो जाऊंगी और तेरा सारा खानदान भी अंधा हो जाएगा। जा यहाँ से, जा जा। हरे राम हरे राम हरे राम। जा यहाँ से। हरे राम हरे राम हरे राम। क्यों जी, तुम अभी तक यही खड़े हो? जल्दी जाओ पिटवा के लिए दवा लेकर आओ, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। क्यों जी, सुन रहे हो?